नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु जी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं काफी समय से जरूरत महसूस कर रहा था कि अगर हम ऐसा कोई सेशन आपको प्रेजेंट कर पाए जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर में जो न्यू कॉमर्स हैं, जो अभी कुछ समय से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड अलग रहा है, अगर उन लोगों से चर्चा की जाए कि किस तरीके का रियल एस्टेट का उनका अनुभव रहा है और किस तरीके की चीजें उनकी अभी तक जो भी करियर रहा है छोटा बड़ा उसमें उनके साथ घटित हुई है, जिससे कि उनको लगता है कि करियर में क्या संभावनाएं और हो सकती हैं। तो आज बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे को। हमारे साथी हैं दिनेश शर्मा जी, और सर भी रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं अभी पिछले 1.5 साल से, और इससे पहले जो भी सर करते थे उसके बारे में सर बताएंगे। तो एक बार इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, और इस तरीके के छोटे मोटे इंटरेक्टिव सेशन मैं चाहूंगा कि अपने चैनल पर रेगुलर मैं लाऊं, और आप सब जब इस वीडियो पे जो भी आपका रिस्पांस होगा उसके हिसाब से फिर मैं आगे चीजें कंटिन्यू करूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से सेशन में। प्रॉपर्टी गुरु जी, हमारे टीम की तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला। तो दिनेश सर, आप अभी जैसे रियल स्टेट में आने से पहले आप क्या काम करते थे? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं दिनेश कुमार शर्मा, मैं रियल स्टेट में आने से पहले सर अकाउंट्स का काम किया करता हूँ। अच्छा। और क्रॉम्पटन का एक डिस्ट्रीब्यूटर था उनके पास। ओके। वो मोटरों में सेल करते थे, पानी की मोटर, पंखे, गीजर्स वगैरह, इस तरह की उनको डीलरशिप ली हुई थी। ओके। मैं उसमें था। ओके। कितने साल तक किया सर आपने? मैंने उसमें सर 13 साल दी है। वाह सर, यहाँ पर रेगुलरिटी बहुत अच्छी थी। जब अकाउंट्स का काम स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी केवल 3800 रुपए थी। अच्छा। और मैंने उस कंपनी को टाइम दिया तो धीरे धीरे सैलरी भी अप हुई, और लास्ट तक आते आते 13 साल में मैं 26,000 रुपए पे पहुंचा। 13 साल देने के बाद तो ये मेरा बिजनेस का उधर रहा। फिर मैंने उधर से ड्रॉप किया, और मैंने रोड स्टार जो कंपनी है वो हमारे घर के नियर बाई थी, केवल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस भी थी सर। तो उधर तो जब उधर ज्वाइन की तो उधर मैंने केवल 6 मंथ ही दिए सर जी। और 6 मंथ देने के बाद में वो कंपनी चली गई दूसरी जगह, और इंडिया शिफ्ट हो गई सर जी यहाँ से। तो मेरे को फिर जॉब चेंज करने की जरूरत पड़ी। अच्छा। तो फिर मैंने देखा यार अकाउंट्स का इतना टाइम मैंने काम किया है। अच्छा। जो अपना रूटीन है वो इतना गंदा हो चुका था सर जी। कारण क्या था कि मैं घर से जाता जी, ऑफिस चले जाता, चेयर पकड़ लेता जी, वही कंप्यूटर पे काम किया, अकाउंट्स का काम आप जी जानते ही हैं। टोटली वो तो चेयर वाला काम रहता है, सिटिंग जॉब है। और शाम को जैसे ही फ्री होते ऑफिस से, घर आ जाते, घर पे अपने वाइफ से चाय पीना करना, और वही बच्चे खिलाना, उसी काम में समय सारा व्यतीत हो जाता बिल्कुल। मतलब फिजिकली कुछ भी नहीं, कहीं भी घूमना नहीं, जाना नहीं, रिश्तेदार और रूटीन आपको बोर करने लगा था मेरे को लगता है। बिल्कुल। इसलिए आपने सोचा लाइफ में कुछ एडवेंचर करते हैं, तो रियल एस्टेट में आ गया जी। मैंने देखा भाई कुछ चेंज करके देखते हैं सर जी। अकाउंट्स किया है, इतने टाइम दिया है सिटिंग को ही जी, तो कुछ चेंज करते हैं सर जी। इसलिए मैंने फिर रियल एस्टेट ज्वाइन की सर। तो आपको सर मैं कई बार सोचता हूँ कि आप अकाउंट से सिटिंग वाले जॉब से, और 13 साल आपने वही एक जॉब किया कंटिन्यू, उससे सेल्स में मतलब ये तो उल्टा है एकदम से। तो आपको डर नहीं लगा या मतलब मन में संशय नहीं रहा कि अरे यार मैं तो एक बिल्कुल ही अनोखी अलग सी फील्ड में जा रहा हूँ जिसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और सिटिंग प्रॉपर जॉब वहां फील्ड में जॉब रहता है पूरा, संशय नहीं आया आपके मन में कोई? बिल्कुल 100% आया सर मेरे जी मन में संशय था। पर क्या होता है कि मैंने ज्वाइन करने से पहले अपनी जो गोकुल कृपा की टाउनशिप है जो इनका काम है जी, पहले उनको सीखा सर, उनको समझा जी, और अपने स्तर पे उनकी थोड़ी सी डिस्कस की, जानकारी रिसर्च करी आपने प्रॉपर कि किस तरह से। यहाँ जी सर रिसर्च करके मेरे को लगा यार कंपनी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है जी, कोई समस्या नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, झूठ साथ बोलनी नहीं है जी, सारी चीज एकदम बढ़िया है। फिर मैंने इनकी टाउनशिप देखी, इनका जो काम देखा, जिस तरह से ये डेवलपमेंट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे ये लगा कहीं ना कहीं कि मैं अपने रिश्तेदार को, अपने जानकार को, किसी को भी प्लॉट देता हूँ जी, तो एकदम बढ़िया प्लॉट है, जेडी अप्रूव्ड है, उसको ग्रोथ देगा सर जी। तो इस चीज का मुझे यकीन था, विश्वास था,
तो इसलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन करने की सोची और विचार बढ़ाया, मन बढ़ाया और दिल से बढ़ाया और फुल टाइम इसमें, फुल टाइम में अपना 100% देने की कोशिश की। तो फिर जैसे अभी आपने इस कंपनी में काम करना चालू किया, रियल एस्टेट अपन बात करते हैं मोटा मोटा कि रियल एस्टेट में आपने अकाउंटेंट काम करना चालू किया, तो आपको शुरू में चैलेंजेस क्या आए काम करने में? काम तो ये बहुत टिपिकल और हार्ड माना जाता है और फील्ड वर्क भी काफी है इसके अंदर, तो आपको क्या चैलेंजेस आए, उनको आपने किस तरीके से ओवरकम किया? क्योंकि अपने बहुत सारे साथी हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जी। या बहुत सारे साथी हैं जो कॉर्पोरेट में अलग अलग जगह हैं, उनको चाह रहे हैं कि कुछ एक्सप्लोर करें लाइफ में नया। अभी क्या है कि जो अपना काम है कंसल्टेशन का, ये स्किल बेस्ड है, पैसा तो लग नहीं रहा, तो कोई सैटरडे संडे मंडे कभी भी कोई आदमी चाहे तो आराम से यहाँ पे चीजें काम करना चाहे तो इजिली कर सकता है, तो वो इजिली काम कर सकता है सैटरडे संडे कभी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो कोई भी साथी इस वीडियो को देखे तो उनको भी एक डायरेक्शन मिल सके कि भाई अपन वीकेंड पे भी काम कर सकते हैं, या कोई अगर जॉब छोड़ना चाह रहा है और नया कुछ करना चाह रहा है, चाहे रियल एस्टेट ही ना करना चाह रहा हूँ कुछ और काम करना चाह रहा है, तो हिम्मत तो बंधे जी, तो बहुत अच्छा रहेगा सर सहयोग आपको। सर मैंने ये सोच के विचार करके इस काम को ज्वाइन किया कि अपन रियल एस्टेट को, सबसे बड़ी बात तो ये है इस कंपनी की इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है सर, आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, इसके जो प्रोजेक्ट है इसका जो तरीका है उन चीजों को सीखते रहो सर, जैसे सारी चीजें समझ में आ जाती है जहां आप वर्क कर रहे हो वहां से ज्यादा अपने को लगता है भाई इधर अपने को ज्यादा मिल जाएगा, अपन गोकुल कृपा को फुल टाइम देंगे तो इधर ज्यादा अर्न कर पाएंगे, तो उधर ड्रॉप करो और इसको ज्वाइन कर लो सर फुल टाइम में। तो शुरू के चैलेंजेस क्या रहे वो थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर रहे हैं आपके, मतलब जैसे आप आए और मुझे लगता है कि थोड़ा टिपिकल रहता है, तो आपके चैलेंजेस क्या रहे, क्योंकि अभी भी आपने काफी अच्छी ठीक ठाक सेल की है अभी तक, तो मैं जानना चाहूंगा चैलेंजेस क्या रहे जिनको आपने ओवरकम कैसे किया, जो चैलेंजेस तो आते हैं नया नेटवर्क कैसे बनाए, फील्ड में काम कैसे करें, तो आपने क्या सोचा कि मतलब यार इस तरीके से अपन करें, क्योंकि आप नहीं किया वो ना हमने किया ना किसी और साथी ने किया, आपको ही करना था जी। सर देखो मेरे को तो बहुत चैलेंजेस थे, कारण क्या था कि मेरी जो जॉब थी जो पिछली जॉब थी जी वो केवल सिटिंग की थी, ऑफिशियल जॉब थी तो मेरा कुछ नेटवर्क था ही नहीं सर। अच्छा। ना के बराबर, मतलब मोबाइल में भी जो मुश्किल से नंबर होंगे वो केवल 100-125 नंबर ही थे, तो मेरे पास तो क्या नेटवर्क था ही नहीं, ना के बराबर था जी। तो मेन चीज तो यही थी कि जब नेटवर्क नहीं होगा तो इसमें काम ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए यही था, मेरे सीनियर से मैंने पता किया, उन्होंने मेरे को रास्ते बताए भाई आप इन रास्तों पे जाके इस तरह से अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे राय दी भाई आप डोर टू डोर जा सकते हैं जी, कहीं सुबह जाके बैल बजा के अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता के जो भी रिक्वायरमेंट वाला है उनके नंबर लेके उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ये किया मैंने, डोर टू डोर रेगुलर रखी। बिल्कुल सर। इसके अलावा जब सुबह सुबह डोर टू डोर करता इसके बाद भी मैं कैनोपी लगाता, फिर मैं कैनोपी लगाना लगा सर, कैनोपी से भी मेरे को काफी लीड्स वगैरह मिलनी पड़ी, कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, इसके बाद मैं कई बार मैं ऐसे कर लेता था भाई कैनोपी को ऑफ करके और कोई ऑफिसेज में जाता गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके उधर लोगों को अपना रिकमेंड करता था सर कि हमारे प्रोजेक्ट ये है जानकारी देके और उधर से कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिलते थे सर जी। सर ऐसे करके काफी रेगुलर रखा मैंने, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए उनको कंटिन्यू किया लंबे समय तक, कंटिन्यू किया इससे ही मेरे पास काफी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। तो इन पे जो आप वर्किंग करते थे फील्ड में जी, जैसे चाहे डी टू डी की बात करें अपन, मार्केट में जाके बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, किसी की भी बात करें, तो वो आपको मतलब रेगुलर लंबे समय तक करना पड़ा, तुरंत नहीं रिजल्ट आया होगा? नहीं नहीं तुरंत नहीं सर, काफी टाइम लग गया, उनको रेगुलर रखता रहा पर उनके टच में रहा, मैं उनको कुछ भी नया हमारा कुछ आता तो भेजता जानकारी देता, तो वो धीरे धीरे जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती उनकी सारी सुविधाएं सूट कर जाती प्लॉट को लेने से संबंधित, तब वो हमारे साथ दिन प्रति। कॉलिंग वगैरह का भी कोई आपने उपयोग किया, कॉलिंग से कोई बेनिफिट रहा आपके संदर्भ में? जस्ट क्योंकि कई बार क्वेरी रहती है बच्चों के मन में कि कॉलिंग कर रहे हैं ये करें वो करें, आपको क्या बेटर लगा? जैसे मैंने सर
ये भी तरीका किया भाई, किसी से नंबर निकलवा के, अच्छा गवर्नमेंट ऑफिस से नंबर निकला के, फिर के और कॉलिंग पे काम किया, पर मेरा कोई रिजल्ट आया नहीं। ओके। मैंने जो फील्ड में किया उसी से मेरा रिजल्ट आया और वो ही बेस्ट रहा। तो मतलब जैसे आपका नेटवर्क था नहीं, लेकिन जैसे आप लोग खाली मैदान मिला और आपने जो भी तरीके बताए उनको आपने ऑप्ट किया और लंबे समय तक उन पे काम किया। जी सर। तो उससे फिर आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ। जी सर। अच्छा बढ़िया बढ़िया सर। तो अभी आपको क्या लगता है कि भाई आगे जो आपने ये काम चुना तो इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो रियल एस्टेट बेस्ड अपन बात करेंगे, जैसे कि आप जॉब करते थे। जी सर। तो जॉब करने में भी आपको सैलरी पैकेज मिलता है और फिर आप यहाँ पे काम करते हैं, रेगुलर इनकम हर महीने नहीं प्राप्त होती, लेकिन एक ओवरऑल बंदे का एक नीड होता है, जैसे घर में खर्चे भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, 50 चीजें भी होते हैं, बच्चे को बंदे को चाहिए होते हैं पैसे। जी। तो उन चीजों को आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं उसके कंपैरिजन में, अगर आप जॉब करते हैं तो बेटर रहते हैं, या अभी जो आपको लगता है आपके संदर्भ में आपने क्या अर्न किया, मतलब फिर मैं आपको मेरे को जो लगता है वो मैं ऐड ऑन करता हूँ। शुरू में तो सर दिक्कत आती है, कुछ महीने खाली भी गए, स्टार्टिंग के 3-4 महीने बिल्कुल खाली गए, फिर मेरी एक डील हुई सर जी, जिसमें फर्स्ट डील में कुछ पैसे आए जी, तो वो एक मतलब बहुत छोटी रकम थी जिससे ये नहीं मान सकते भाई वो 4 महीने जो पिछले गए हैं उसकी वो सारे कवर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे मैंने टाइम दिया इसको, एक साथ 2 डील भी होने लगी, एक महीने में 2 भी होने लगी, कई महीने में फिर 2 महीने का 1 महीने का गैप लग जाता, फिर कोई डील हो जाती। मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे ये काम किया आपने तो जो भी आपका पैकेज था, जो भी आपकी अर्निंग थी, उसके अनुपात में आपने कम ज्यादा कुछ ना कुछ बेटर वे में किया होगा, और साथ में आपको जो घूमने फिरने का मौका मिला, जिंदगी को जीने का मौका मिला, वो तो सब प्लस है ही, परिवार को भी समय दिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने अपनी स्किल एक ऐसे क्षेत्र में डेवलप की है जिसमें स्किल की हमेशा ही नीड है, मतलब साल दर साल आपकी नॉलेज बढ़ती चलेगी। तो हो सकता है कि आपने 1 साल में 2 लाख रुपए कमाए, सेकेंड ईयर वही 4 लाख हो जाएंगे, वही 6 लाख 8 लाख हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका क्लाइंट बेस बढ़ता चला जाएगा, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप मैक्सिमम लोगों को टच कर पाओगे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ प्रॉपर्टी गुरु जी टीम की तरफ से कि आप इसी तरीके से शानदार परफॉर्म करते रहे और अपना करियर इसमें और बेटर वे में जैसे हो सकता है और कंसीव करें किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम आईएएस का सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो हम आईएएस बनेंगे, बाबू का सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो बाबू बनेंगे, तो जिसको जो बनना है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसी सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा जो उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप बनोगे। तो हमेशा रेगुलर अपने को अपग्रेड करके रखना है अपने को। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही यही था कि जो भी जैसे कोई सोचता है कि भाई मैं तो 20 साल का ही हूं या तो मैं कर सकता हूं, कोई सोचता है कि मैं 40 साल का हूं मैं कर ही नहीं सकता, सर ने भी अपना 38-39 साल की उम्र में प्लान किया कि मैं स्विच करता हूं, नई चीज करता हूं। तो अगर आपके अंदर हौसला है और आप चाहते हो कि जीवन में कुछ करें प्लस, और आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, आपकी खुद की स्किल हो जो स्किल आपको रेगुलर इनकम दे, कोरोना जैसे टाइम में भी दे, जीएसटी रोडेंट कुछ भी हुआ उस टाइम में भी आपको दे, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में आप अर्न करो और आपकी फैमिली सिक्योर्ड रहे। तो आप इस तरीके के जो जॉब्स हैं, जरूरी नहीं है कि गोकुल कृपा में, आप कहीं भी कुछ करें। आज के जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, सिविल सर्विसेज में है, उनको तो नहीं है, सिविल जॉब के अंदर है, सिविल सर्विसेज वालों को तो नीड क्या है, वो तो पूरी हमारे क्लाइंट है तो ये तो मजाक वाली बात होगी। जो सिविल जॉब के अंदर है 20-25 हजार का 30 हजार का जिनका भी पैकेज है, अगर वो लंबे समय तक भी काम करेंगे तो 30 से 40 हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं सभी साथियों से कहूंगा कि आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चालू करें, चाहे वो रियल एस्टेट संबंधित हो चाहे रियल एस्टेट संबंधित ना हो, आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे 1000-2000 की आपकी मंथली इनकम एड ऑन हो आपके प्रोफाइल में साल दर साल। क्योंकि अगर आज आपका बच्चा 1 साल का है तो कल को 4 साल का होगा, तो उसके भी शौक बढ़ेंगे, स्कूल की फीस भी लगेगी और खर्चे ही बढ़ेंगे। तो सभी भाई जो भी अपने जयपुर के हैं, अजमेर, कोटा, मुंबई, कहीं पर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरीके के मैं छोटे छोटे वीडियोस, बड़े वीडियोस जैसे भी हो पाएंगे लाता रहूंगा। जो कमी रही उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, और जो भाइयों आप सबका साथ और प्यार मिलता रहा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।